पराग जी, सुधीर जी का मेल आया है। वो कहते हैं कि कुछ समय पहले तक सब ठीक था, परंतु अचानक से उनका सोशल नेटवर्किंग बंद हो गया है, उनकी कई लोगों से दोस्ती टूट गई है और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? देखिए, कनेक्टिविटी का टूट जाना और आप अकेले पड़ जाना, मतलब आप लोगों से अलूफ हो गए हो, अलग हो गए हो, है ना। तो अलग हो जाने का मतलब ये होता है कि आप कम्युनिटी से डिस्पोज ऑफ हो गए हो, जिसका एक कारण है कि टॉयलेट सीट का प्रेजेंस वहाँ पर। टॉयलेट सीट का प्रेजेंस नेचुरली आपको अलग कर देगा। आप कभी कभी फिर आप बोलोगे कि नहीं, लोग अच्छे नहीं हैं या मुझे बात करने में शर्म आती है, अलूफ हो जाओगे आप। तो टॉयलेट सीट के आसपास अगर आप ग्रीन कलर की टेप लगा दोगे या ब्लू कलर की टेप लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली एयर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाएगा। कभी भी क्या होता है कि आप अलूफ इसलिए होते हो कि आपकी लोगों से काफ़ी गर्म डिस्कशंस होते हैं। जैसे आप गुस्से में बात करते हो या काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है लोगों के, हम चिढ़ जाते हैं लोगों के ऊपर। तो जब चिढ़ते लोगों पर तो आप देखोगे कि ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है एयर एलिमेंट की, वो एंग्जाइटी देती है। और ईस्ट में लोग जुड़ते हैं, करेक्ट। तो अगर वहाँ पर अग्नि आ गई तो अग्नि हमें गुस्सा दिलाएगा, बात बात पर चिढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग हमसे दूर जाना शुरू कर देंगे और हमें अकेला छोड़ देंगे, राइट। हमें पसंद, अगर आप पूछेंगे खुद को तो आपको पता चलेगा कि हमें वैसे लोग पसंद नहीं है जो हम पे चिढ़े बार बार। हमें वैसे लोग अच्छे लगते हैं जो पॉजिटिव बातें करें, जो अच्छी बात करें, जो हमें मोटिवेट करें, ना कि बार बार हमें हम पर चिढ़े छोटी छोटी बात के लिए। तो कोई बात नहीं, अगर वो है तो किचन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एक ग्रीन कलर का स्लैब या येलो कलर का स्लैब अगर आप गैस स्टव बर्नर के नीचे रख दोगे तो जो अग्नि, वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो आपके इम्बैलेंस हो गए वो बैलेंस हो जाएंगे। फिर आप राइट टाइम पर गुस्सा करोगे या नहीं करोगे, अपने आप को रोकोगे, नेचुरली टेंडेंसी वैसे हो जाएगी। तो वो जब भी अलग हो गए तो आप चेक करें कि उनके ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस बर्नर हो सकता है, टॉयलेट की सीट हो सकती है, या अगर ये नहीं है तो रेड कलर का वॉलपेपर, मतलब अग्नि के जो प्रतीक है रेड कलर, कैसे भी आ गया, चाहे बर्नर के थ्रू आ गया चाहे वॉलपेपर के थ्रू आ गया, उसको रेड कलर को हटा देंगे तो भी उनकी सोशल कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाएगी। मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर में मेरे एक फ्रेंड रहते थे और फेसबुक पे मैं कनेक्टेड था उनसे। तो उनका बर्थडे आया तो मुझे याद थी उनकी डेट, तो मैं फेसबुक पर गया और मैंने चेक किया कि मैं उनको बर्थडे विश कर लूँ। तो मुझे उनका प्रोफाइल दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा अरे इनका प्रोफाइल ही नहीं दिख रहा है, क्या इन्होंने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया, क्या हो गया। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने उनको बोला कि अरे क्या हो गया, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या। तो बोले नहीं नहीं मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, मुझे फेसबुक से मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, मुझे अभी नहीं फेसबुक पर रहना। तो क्योंकि मेरे ऊपर ही रहते थे तो मुझे पता था कि ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि फेसबुक पर रहना मतलब लोगों से जुड़ना है ना। अभी वो लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं, अलग हो गए। पहले उनको पूछा कि फेसबुक अकाउंट कब डीएक्टिवेट किया आपने, बोले मैंने कुछ 12 दिन पहले डीएक्टिवेट किया है। तो मैंने पूछा कि 12 दिन पहले आपने इस जगह पर एंट्री करते राइट में जो जगह है वहाँ पर आपने क्या चेंज किया है, क्या रेड कलर का ऐड किया है। बोले मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैंने कहा आप जाके खड़े रह के चेक करिए, कुछ तो रेड कलर का ऐड हुआ है 12 दिन पहले। जब वो गए वहाँ पर तो बोले हाँ, टेम्पल में पहले ब्लू कलर का बल्ब था, जो टेम्पल में छोटा सा हमने रेड कलर का बल्ब लगा दिया, तो रेड कलर मतलब अग्नि आ गई, तो रेड कलर का बल्ब 12 दिन पहले लगाया है। तो बात यह है कि कनेक्टिविटी जो हमें देता है वो ईस्ट देता है। अभी उनका मन उठ गया, मतलब वायु को, एयर एलिमेंट को कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्टर्ब कर रही है और वो अग्नि डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए अलग। तो जैसे मैंने उनको कहा कि जैसे आप उसको फिर से ब्लू कर दोगे ऑटोमेटिकली आप फेसबुक अकाउंट शुरू हो जाएगा और आप लोगों से जुड़ना शुरू हो जाओगे।